हे hey, कैसे हो? क्या ये आज की एक्टिविटी है? तो पहले बॉक्स खोलना चाहती हो? चलो साथ में खोलें। वाह, एक ग्लू पेन। ये स्पैचुला किस लिए है? मैं खाना नहीं बना सकती। तुमने देखा? ओ नहीं, वो हम कितना ऊंचा आ गए हैं। शायद मुझे अपना घर दिख रहा है। ग्रीटिंग्स अर्थलिंग्स। अरे ऐसे करते हैं? सच में ये किसने किया? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हवा नहीं है, बस अगला चैलेंज है। क्या ये गेम है? हाँ ये देखो लेडीज। ओह कूल है, शुरू करते हैं। तुम चाहते हो कि मैं सोनिक ड्रॉ करूँ? हाँ, ये शुक्र है कि ये मेरा सबसे फेवरेट कार्टून रहा है। अब हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। शुक्र है हमारे पास बहुत सारा है। अब ये बनना शुरू हो गया है ना? इससे हम जो मन चाहे वो कर सकते हैं और इससे हमारे आर्ट में जान आ जाती है। अब बस आंखें बनानी है, बस थोड़ी सी लाइंस और कर्व्स और सोनिक तैयार है। ओह ये कितना प्यारा है ना? तड़ा, सब हो गया। ठीक है, अब ये मेरे लिए कंपटीशन है, पर मैं चुनूंगी इस बैटर को। हे, कम से कम मेरा सोनिक खाने लायक है। और इस तरह से बनाना है तो टाइम का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम ये हॉट ग्रिल पर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम फूड कलरिंग डालेंगे। आपको ऐसे जैसा भी बैटर बनाना है आप बना सकते हैं। बस होने ही वाला है, बस एक आखिरी चीज और ये बन गया। वो हे मेरे क्रिएशन, ये कहाँ जा रही है? ये तो गायब हो रही है। हो क्या रहा है? ओह याइक्स। और हमारा विनर कौन है? मैडिसन। विश्वास नहीं हो रहा। जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोर हो रहे हो क्या? खैर फिर नेक्स्ट चैलेंज का समय है। हॉपी प्ले टाइम कैरेक्टर्स। ओह मैं ये संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा अच्छा पैनकेक बैटर है। ठीक है वापस मेरे बैटर आर्ट पर चलते हैं। येलो आउटलाइन बन गई है, अगला मुझे रेड इस्तेमाल करने दो। अगर आपने शेप बना भी ली है फिर भी आपको आउटलाइन करना होगा, क्योंकि तुम ऐसे ही इसे भर पाओगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, नहीं तो बैटर हर जगह फैल जाएगा और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि इससे पिक्चर नहीं बन पाएगी। बस बहुत सारे कलर वाला बैटर। अगला आँखों की बारी है, मैं ब्लैक डॉट से स्टार्ट करूँगा। और अब मुझे ऊपर और नीचे भी ग्रीन डॉट्स चाहिए। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, अब इसे थोड़ा पकाना होगा। ये बिल्कुल असली पैनकेक लग रहा है। ठीक है बन गया, अब इसे फ्लिप करने का समय है। बस थोड़ा फ्लिप करें और बढ़िया हो गया। ये अच्छे से पक गया और बन गया। ओह वाह मुझे ये अच्छा लगा। और बेटी ओह मुझे वेटर को टिप नहीं देनी। ये क्या है? उठ जाओ। हाँ क्या मैं जागी हुई हूँ? हे तुमने ये कब खत्म किया? जाओ यहाँ से जीव। शू मुझे लियम से बेहतर करना है। ठीक है 3D पेन, हम वापस से ये कर रहे हैं। चलो एक आँख बनाएं। हमेशा की तरह मैं ब्लैक आउट लाइन से स्टार्ट करूँगी। ठीक है मैंने आँख बना ली, अब मैंने भरती हूँ। अब मैं थोड़े कलर्स ऐड करूँगी और बाकी का भरना शुरू करूँगी। अब मैं पर्पल करूँगी, फिर मैं पिंक करूँगी और थोड़ा रेड और ऊपर थोड़ा सा व्हाइट। और मेरा पीजे पगा बिलर बन गया। ये कितना प्यारा है। और इस चैलेंज में ये है मेरा आर्ट, ये सबसे अच्छा है। जो भी है ये इतना भी अच्छा नहीं है। बंजो बनी है एक आर्ट। ओह मैं लियम को चुनूंगी। सही कहा बेटी, लगता है फिर से मैं ही जीता हूँ। हाँ इस बार मैं पहली बटन दबाती हूँ और देखते हैं क्या आता है। एक पेड़, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रुको मैं दोबारा हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। देखते हैं इस बार जादू से क्या आता है। ओह तो हमारे पास है एक इंक की बोतल और एक स्ट्रॉ। खैर तो शुरू करते हैं। जरा अपनी एल्बोस को शो ऑफ करो। बहुत अच्छे, अब इंक की बोतल को खोलेंगे। हाँ ठीक है, शुक्र है हम स्ट्रॉ को मुँह से उठा सकते हैं। हाँ अब इससे मैं इंक निकाल सकती हूँ। ओह यार भी है, मैं
इस स्ट्रॉ का क्या करूं? ओ नहीं, वो उसे पी रही है। रुको, वो इंक है, सोडा नहीं। ओ क्या? ओ फिर, मुझे लगा तुम ये पी रही हो। मैं जैसा कर सकती हूँ वैसे ही ड्रॉ करूंगी ना। मुझे जहाँ जहाँ इंक लेकर जानी है मैं वहाँ फूंक मार रही हूँ। वो कितना जबरदस्त बन रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक स्ट्रॉ के साथ ये सब कर सकती हो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे थोड़ी और जोर से फूंक मारनी होगी। चलो चलो भी बकवास इंक। रुको, मेरे चेहरे पर क्या है? ओह, मेरे चेहरे पर इंक आ गई। ये इतना रो क्यों रही है? कितना गंद मचाती है। रुको, हो? रुको, क्यों? देखो, मेरे पास पिंक पेंट है। बस पेंट की एक लाइन स्क्वीज करनी है और अब एक और कलर भी। ठीक है, पेंट लाइंस तैयार है। अब मुझे एक कॉटन स्वाब चाहिए। लाइट पिंक कलर में इसे डुबोएंगे और अब देखो, इन ब्लैक इंक की ब्रांचेस पर हम इसे डैब करेंगे। ये फूलों की तरह लग रहे हैं, जैसे स्प्रिंग के मौसम में छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे बनता हुआ बहुत पसंद आ रहा है। कितना खूबसूरत है ना? तुमने मेरी ट्री को खास बनाने में बहुत मदद की। मैं इस पर साथ में काम कर बहुत खुश हूँ। मैं भी। बनाना? हाँ प्लीज। ये क्या है? थैंक्स। मुझे स्नैक हमेशा से पसंद है। वो ये क्या हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। रुको, ये येलो है, जिसका मतलब ये हमारे अगले चैलेंज में होगा। मैं ये समझ गई। शुक्र है मेरे पास बहुत सारा येलो कलर है। इसे हो क्या गया? चलो भी, मैं जानती हूँ इसमें है। एमा, नहीं! ओह, शायद मैंने ज्यादा प्रेशर लगा दिया। मेरा पैनकेक खराब हो गया। स्प्रेच बॉल से मुझे शांति मिलती है। शुक्र है मुझे वो परेशानी नहीं है। ये ग्लूगन बहुत स्मूथ चलती है। और शुक्र है मेरे पास बहुत सारे येलो कलर है। और आउटलाइन के बाद हम इसे अच्छे से फिल करेंगे। अरे वाह, सब्र का फल मीठा होता है। और इन डिटेल्स की वजह से इन कैरेक्टर्स में जान आ गई। इन्हें देखने के लिए बस इंतजार करें। अगला पार्ट गेस कर सकते हैं? हाँ, इसकी आईज और गॉगल्स अब ये और असली लग रहे हैं। मेरा मास्टरपीस तैयार है। कितना प्यारा है। वाह, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ब्लू से शुरू करूंगी। इस तरह ये सेफ रहता है ना? ओह, गॉगल्स कितने प्यारे हैं। ये पूरा का पूरा ही प्यारा है। अब इसके छोटे छोटे हाथ। और अब हम इसे फिल करते हैं। बनना शुरू हो गया। येलो कलर करने से पहले हम बाकी के कलर्स पूरे कर लेंगे। वो ये रहा। इस बार कुछ भी खराब नहीं होगा। बस इसे फिल करना है, इसकी आईज बनानी है और हो ही गया। हाय एवरीवन। बहुत हुआ। हे रुको, ये टाई हुआ। तो हम दोनों जीत गए। जी हाँ, चलो देखिए क्या होगा अगर मैं इस पेंट ब्रश को पेंट करूं। बस इसके ब्रिसल्स पर अलग अलग रंगों की स्ट्राइप्स बनानी है। ये एक रेनबो जैसा लग रहा है। मैं ये बटन दबाकर देखती हूँ। इसे छोड़ भी दो। ओ नहीं, अब हमें इसे दबाना होगा। ये तो बहुत कूल होगा। नहीं रुको, क्या नहीं? तैयार हो जाओ। वो हे, लगता है चीजें बदल गई हैं। पर रुको, अब तुम काम पर लग जाओ। ठीक है, ये चलेगा। बुरा नहीं है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वो ग्लिच कर रही है, मुझे संभालना होगा। रुको, ये मत करो। इसे ऐसे डालो, समझी? अब इसे डालना होगा। मैं वो पॉपेट जैसा बना रही हूँ। अब बस इसमें कलर्स करने हैं।
इसके क्रिस्पी होने से पहले करना होगा। अब अगले कलर की बारी, ग्रीन सही रहेगा है ना? पुश करेंगे, अब पॉप करेंगे। देखो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। पहले इस सर्कल को आउटलाइन करेंगे और फिर ऐसे लाइंस बनाएंगे, आखिर में छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। अब फिल करेंगे, लाइंस के बाहर नहीं जाना चाहिए, बस होने ही वाला है। बस कुछ डॉट्स और बूम, ये बिल्कुल असली लग रहा है ना? पुश करो। हाँ, मुझे पसंद आया। तुम दोनों को अच्छा लगा? हाँ, तुम दोनों ही विनर्स हो। आहा, टाइम आ गया है। रुको। ओ नहीं, हम वापस स्कूल में आ गए। पर कैसे? अगला चैलेंज, मैं चाहती हूँ तुम शार्क बनाओ। शार्क काफी इजी होगा बनाना। पिंक शार्क या ब्लू शार्क? मैं लियाम को जीतते हुए देखकर थक चुकी हूँ। जीव्स, मेरे आर्ट सप्लाईज दो। नहीं, जाहिर है ये बेहुदा बड़ी पेंसिल नहीं चाहिए। हो, ये 3D पेन जेमस्टोन से कोटेड है। बेटी का उन शाइनी जेम से पूरी तरह से ध्यान हट गया है। उसे दिखाई भी नहीं दे रहा कि मिस्टर टीरेस उस पर नजर रख रहे हैं। हो, मुझे जेमस्टोन्स बहुत पसंद है। ये क्या? डायनासोर अटैक! मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया है बेटी। बहुत अच्छे मिस्टर टीरेक्स, ये बिल्कुल भी मजाक या नहीं था। हाँ, ये बहुत गंदा है। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से मैं इंस्पायर्ड हुई इससे। मुझे बस अपनी उंगलियों से कुछ चला के भरा करना होगा। योइंक, मैं ये ब्लू कलर ले रही हूँ और मैं अब इसके प्रैंक का बदला लूंगी। ऊप्सीज। हे बेटी, मेरा ब्लू वाला वापस करो। ओ, ये तुम्हारा है, मुझे माफ करना। ये लो। जो भी है, बस स्क्वीज करो। ओ, 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 ये क्या हुआ? तुम बुद्धू बन गए लियाम। ये तुम्हारा मेरे साथ प्रैंक करने का नतीजा है और अब मुझे ड्राइंग करनी है। अच्छी बात है, मेरे पास मेरा खुद का ब्लू कलर है क्योंकि ये शार्क्स के लिए अच्छा है। इस टाइम मैं कुछ ऐसे आउटलाइन बनाऊंगी, अलग तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करो, शायद ये मुझे जिता दे। ठीक है, यहाँ मेरी शार्क खत्म हो गई, लेकिन इसको एक नोज की जरूरत है, जाहिर है, वरना ये सूंघेगी कैसे? और आंखें भी, उसे सब कुछ दिखाई देना चाहिए। और मेरे ख्याल से बन गया और मेरी शार्क बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, मैं अपनी शार्क दिखाने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, इतनी जल्दी? खैर, मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये क्या है? बेटी ने शार्क बना भी ली, मुझे भी बनाना होगा। हालांकि ब्लू के साथ नहीं। सोचो, हम एक पिंक शार्क बनाएंगे, एक मॉमी शार्क। ये सही है, मॉमी शार्क के पास भी बड़े दांत हैं। ये बहुत खतरनाक और प्यारी है। बस इतना फर्क है कि ये पिंक है। ठीक है, मुझे अच्छे से आउटलाइन करना होगा। मुझे अब व्हाइट चाहिए। मैं बस इसे वहाँ भर दूंगा जहाँ मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ी है। मैंने इसके बो और इसके फेस के लिए जगह छोड़ी है और ये बन गई। अब बस इसे पकाना है। इसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, ये पक चुकी है। ठड़ा, मेरी प्यारी मॉमी शार्क बन गई है। जो भी है, तुमने इस बार मेरा डिजाइन कॉपी किया है। इस बार मुझे चुनो, मैंने पहले बनाया है। हे भगवान, ये अब तक का सबसे मुश्किल वाला है। हमारे पास पिंक शार्क है और ब्लू शार्क है। ठीक है, इस बार मैं चूज कर रही हूँ तुम्हें, बेटी। हाँ, आखिरकार मैं जीत गई। वाह, हम कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं। ये किस लिए है? ये देखो, हमें बस व्हील को घुमाना है। पहला रेड आया है, हमें अपनी आंखें बंद करनी होगी। ये तो नामुमकिन है। चलो ट्राई कर देखते हैं। 1, 2, 3, गो गो। अब ये डालते हैं, शायद ये सही बन रहा है। मैं लाइंस के अंदर तो कर रही हूँ ना, ये वाला ठीक होना चाहिए। मैं चेहरा बनाने से शुरू करूंगी और मैं उसके आसपास बना सकती हूँ। बस मैंने ब्लू ही उठाया हो। वो काफी कोशिश कर रही है, उसे दिखेगा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। ये मैं आंखें बंद कर भी कर सकती हूँ। अब ये काफी बेहतर लग रहा है, शायद ये अच्छा बन रहा है। एनी वाला कैसा है? वो आंखें खोल कर रही है। तुम रूल्स तोड़ रही हो। रुको, तुम भी।
ये तो फेयर रहेगा। ठीक है, तो ये सही तरीके से करते हैं। चलो, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे देख तो नहीं पा रही, पर ये अच्छा ही लग रहा होगा। तैयार है? वाह, इसे पलटा देना चाहिए। कूल, देखो, वाह। जो भी है, ये तो उसकी तरह लग रहा है, तुम्हें पता तो है। क्या हमें ये करना ही होगा? ये कैसा होगा? खुशबू तो बहुत अच्छी है और टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। तुम ठीक तो हो? बकवास है, तुम्हारा कैसा है? देख ही लेते हैं। ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें चाहिए? खैर ठीक है, शुक्रिया, देखते हैं। ये स्वादिष्ट है, हमें इसे पहले जज नहीं करना चाहिए था। हाँ तो चलो, ओ रुको, पहले तुम। बिल्कुल, चलो साथ में दबाते हैं और देखते हैं व्हील किसे चुनता है। ओह, एक स्माइली इमोजी। सच में? हाँ, मुझे एक हाथ इस्तेमाल करना है और तुम्हें बिल्कुल नहीं। हाँ, अब देखते हैं जादू से क्या आता है। रुको, स्क्वीज बॉटल्स, पता है स्काई, हम इस चैलेंज के लिए एप्रिंस ले लेते हैं। हाँ, अब हम ये करने के लिए तैयार हैं। हम व्यू को किसी और चीज में बदल सकते हैं। चलो चलो चलो, प्लीज। हे भगवान, ये तो काम किया, मुझे विश्वास ही नहीं होता। और अब मुझे एक आइसक्रीम बनानी होगी। ये सर्कल सही रहेगा, अब हम इसमें आंखें बनाएंगे और इसे आईब्रोज भी चाहिए। हाँ, इसके लिए इतना काफी होगा। अब ब्लू वाली की बारी, पहले इसके आंसू और अब इसे ब्लू कलर से रंग दे। ये ठीक ही लग रहा है, ये रहा सारा बैटर। अब देखो बन रहा है ना। अब रेड वाला बस थोड़ा सा स्क्वीज करना है, बिल्कुल ब्लू वाले के साथ। बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, अब येलो की बारी। येलो के बिना स्माइली ठीक नहीं रहेगी। अब बस बाकी की जगह इससे भरनी है। हर जगह पर अच्छे से कलर होना चाहिए। बस थोड़ा सा और हो गया। अब इसे पलटाएंगे। हे भगवान, देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। ओ नहीं, मेरी नाक में खुजली हो रही है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, ओ नहीं, ढक्कन तो बाहर निकल गया। बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ स्काई, सॉरी। जो भी है, ठीक ही होगा, मेरा हो गया। खैर, ये लो, हम इस स्पैचुला से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ से निकालना है, इससे ये ज्यादा खराब नहीं होगा शायद। लो, अब ये बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शुक्रिया। अरे यार, वो तो गुस्से में लग रही है, पर देखो मेरा कैसा लग रहा है, प्यारा है ना? रॉक पेपर सिजर्स, देखो ये तो पॉपिट है। और क्या आया? इस सिंबल का क्या मतलब है? शायद हमें एक दूसरे के लिए पेंटिंग करनी होगी। और सामान कहाँ है? रखो, ये रहा। कितना कूल है ना? हाँ शायद, पर मेरी रोलिंग पिन कहाँ है? ये तो फेयर नहीं है, दोबारा टाइम लग गया। हाँ, तो शुरू करते हैं। करें, मैं इससे पेंट करना शुरू करती हूँ। इन डॉट्स में थोड़ा समय लगेगा, ये क्या बात हुई, पर कम से कम मेरे पास ये है। ये डॉट सही रहेंगे, इतना भी बुरा नहीं है। Cool. तुम्हारा कैसा लग रहा है? अब ये देखो, अब मैं बस, चलो स्विच करें। चलो दिखाओ तुमने क्या किया। एवा, ये मुझे दो, तुमने तो कुछ पेंट भी नहीं किया। खैर, हाँ, हम नोज से भी तो पेंट कर सकते हैं, जैसे रिवर्स लूप हो। और डॉट्स एकदम बढ़िया बन गए। वाह, कितना अच्छे से बन रहा है। कैसे पता था नोज ये सब कर सकता है? शानदार है ना?
हाँ दिलचस्प है, मुझसे बेहतर नहीं। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? इस बार पहले तुम बटन दबाओ स्काई। ठीक है, व्यू घूम गया। देखते हैं इस चैलेंज में हमारे पास क्या आता है। एक यूनिकॉर्न। तुम भी एक्साइटेड हो? वो ये काफी अलग है। तुम्हें आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी होगी लेक्सी। चाहे मेरी आंखों पर पट्टी हो, लेकिन मैं बनूंगी तो एक यूनिकॉर्न ही। हाँ, इस बार हम यूनिकॉर्न की शेप के कुकीज सजाने वाले हैं। कितना मजेदार है। ओह, एप्रिंस वापस आ गए। ठीक है, तो मुझे अब आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। स्काई, तुम कहाँ गए? तुम यहाँ हो ना? पर ये वहाँ पर क्या है? हाँ, ये रही कुकी। मैं ये ले रही हूँ, जरा एक स्नैक हो जाए। लेक्सी, मुझे नहीं लगता वहाँ पर कुछ है। एक सेकंड रुको, मेरी कुकी कहाँ गई? वो कहाँ चली गई? कुकी नहीं है तो कहाँ गई? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो पता नहीं कहाँ गई होगी। मैं एक और कुकी ले आती हूँ, पर इस बार मैं लेक्सी पर नजर रखूंगी। हाँ, तो हम इस कुकी को सजाना शुरू करते हैं। हाँ लेक्सी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये रही तुम्हारी व्हाइट फ्रॉस्टिंग। शुक्रिया स्काई, मैं भी शुरू करती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। पहले कुकी की शेप को आउटलाइन करेंगे। हो गया, अब इसमें और व्हाइट कलर कर इसे फिल करेंगे। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। लगता है ये बहुत अच्छी दिखेगी। वाह, काफी बढ़िया बन रही है। बस थोड़ा सा और हो गया, पूरी कुकी कवर हो गई। अब हमें एक पेंट ब्रश और गोल्ड फ्रॉस्टिंग पेंट चाहिए। पहले नीचे की तरफ लगाएंगे और थोड़ा सा कानों की तरफ। हाँ, अब इसको हॉर्न मत भूलना। अब अपने यूनिकॉर्न की आंखें बनाएंगे। अब थोड़ी सी रेड फ्रॉस्टिंग की जरूरत है। उसे दिल के शेप के नोस्ट्रल्स चाहिए। कितना प्यारा है, मैं इसमें बिल्कुल माहिर हूँ। अब मुझे ये वाला कलर चाहिए। ये कौन सा है? पता नहीं, पर मेरी यूनिकॉर्न को आंखों की जरूरत है। अब कलर बदल लेते हैं। इसकी सांस लेने के लिए नोस्ट्रल्स की भी जरूरत होगी, जो कि बहुत जरूरी है। मुझे पता है ये कमाल का बन रहा है। मेरा बन गया। और तुम्हारा स्काई? ओह नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। खैर, मेरी आंखों पर पट्टी थी, तो जो भी है। इसका नाक देखो कितना प्यारा है। मैं इसे किस करना चाहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, बहुत सारी किसेस। कम से कम मेरे पास अपना हॉर्न तो है। ओह, दूसरा चैलेंज है हमारे पास। मैं दिन भर काफी एप्पल्स देखती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे शुरू करना है। और ये बन गया परफेक्ट सर्कल, लेकिन मैं स्टेम कहाँ बनाऊँ? पूरे पेज पर तो सर्कल बन गया। दूसरा वाला लेती हूँ। मुझे कहीं से मदद की जरूरत है। रुको, मुझे एक बढ़िया एप्पल दिख गया। उनका ध्यान कहीं और लग रहा है। मैं जा रही हूँ मिशन एप्पल इम्पॉसिबल पूरे इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास हथियार है और मैं तैयार हूँ। बस बहुत ध्यान से इसको काटना होगा। हाँ, एनी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? बैठ जाओ। माफ करना। ओह यार, मैं बस करने वाली थी। शायद जितना मुझे आता है वही ड्रॉ करना होगा। जैसे कि वर्ड एप्पल, ये आसान है। PPLE। एक मिनट, अगर मैं इस वर्ड को 5 से डिवाइड करूं या एक एप्पल से, तो मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलो 5 को थोड़ा बड़ा बनाएं। कौन जानता था कि एक नंबर से पूरा एप्पल बन जाएगा? आप जान भी नहीं पाओगे कि एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, खासकर तब जब उसमें तुम कलर कर लोगे। बिल्कुल सही ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उप्स, स्टेम मत भूलना। थोड़ी सी शैडो बना दो और थोड़ी और डिटेल्स, और एकदम खाने लायक बन गया। क्या आप सहमत नहीं है? तारा, मैंने कर दिया। मैंने भी। कितना असली लग रहा है और कितना फ्लैट। खैर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ब्रावो एनी, मैं जीत गई। हाँ, काश मेरे पास असली एप्पल होता। मेरे पास भी। किसी ने ये पहले से खाया हुआ है। अच्छी बात है, मेरा फ्रेश है। हाँ, पहला चैलेंज। पता नहीं इसमें क्या होगा। ओह, कितना प्यारा पपी है। हम इसे रख सकते हैं? ठीक है, मैं कर सकती हूँ। मैंने आर्टिस्ट को ये करते हुए देखा है, पता नहीं क्यों, पर ये अच्छा लग रहा है। ये पपी के लिए बहुत छोटा है।
हाँ, मेरे पास भी हाथ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आ, समझ गई, ये आसान है। मैं अपना हाथ प्रेस करूँगी। तुम क्या कर रही हो? कम से कम वो खुश है। मैं पेपर पर हाथ इस तरह रखती हूँ और फिर इसे ड्रॉ करते हैं। इसे एक डॉग की तरह बनाना होगा। थोड़ा फर, प्यारी प्यारी आँखें और एक नाक। अब इसे कलर करेंगे। ये काफी अच्छा लग रहा है। लाइन के अंदर अंदर बस हो ही गया। लो, वो कितना प्यारा है। मुझे इस पर गर्व है। मैं इसे लकी बुलाऊंगी। ये काफी अच्छा है, मतलब मुझे मेरा वाला भी पसंद है। पर वाह, कम से कम तुमने कोशिश की। कौन जीता? हाँ, देखो कुछ हो रहा है। बिस्किट्स, यम्मी। इसकी शेप हड्डी जैसी है। जीनियस, मुझे डॉग थीम बहुत पसंद है। मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर पा रही। रुको, बिस्किट्स, बोन, डॉग। रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसका स्वाद कितना अच्छा है, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ओह, काश तुम ये ना करती। क्या हुआ? ये बिस्किट्स, ये पपी के लिए है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हे, इधर आओ बच्चे, हमारे पास गुडीज हैं। चलो। हाँ, सबसे अच्छा बच्चा कौन है? तुम। हाँ, तुम। तुम्हें इतनी पोज करने के बाद भूख लग गई होगी। कितना तेज पपी है। तो चलो, ये तुम्हारे लिए ही है। ओ मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कितना हैंडसम है। वैसे तुम ये क्यों नहीं बनाती? अभी ये शुरू हो गया। मैं डॉगी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। सिर्फ सिर, बॉडी और चार टांगे बनानी है। लेकिन ये थोड़ा डल लग रहा है ना? जरा मुझे दोबारा ट्राई करने दो। मेरे ख्याल से बड़ा बनाना बेहतर होगा। अभी भी बुरा है। हाँ, नहीं, अभी भी बेकार है। हे, व्हाट? शांत हो जाओ। हे, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आउटलाइन बना ली तो डिटेल्स बनानी आसान होगी। विश्वास करो, ये बहुत अच्छा बनेगा। देखा, अब सिर्फ कलर करना बचा है। और ये अच्छा बच्चा चॉकलेट ब्राउन वाइब्स दे रहा है। पिंक टंग मत बोलना, डॉगी का ट्रेडमार्क। टाडा! देखा तुमने, काफी अच्छे से बनाया है। और तुम्हारा हैनी? क्या? कुछ नहीं बनाया। इसका मतलब आप जीत गई मिस एमा। ये स्वादिष्ट लग रहा है। शुक्रिया। चॉकलेट डॉगीज, मैं इससे शुरू करूंगी। अच्छा दिख रहा है। कितना क्रीमी है। ये सही नहीं है। शांत हो जाओ बच्ची, एक ले लो। ओह, सच में शुक्रिया। ओह, दोबारा शुरू करें। इस बार मैं क्या ला सकता हूँ? टडा! हम ये कर सकते हैं, है ना? ना, ये ठीक नहीं है। ओह जीना, समझ गई, ये बकवास आइडिया था। हाँ, देखा, ये मेरा मजेदार आइडिया है। वाओ, मुझे कुछ और करना होगा। सबसे पहले आसान है, इन लाइंस को जोड़ेंगे। अभी काफी बढ़िया लग रही है। हमें बस छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना है। इसके बिना हाथ अधूरे हैं। क्या ये पूरा हुआ? ब्रायन, टाइम हो गया है। ब्रायन, ये देखो, ये ठीक है। पर जीना, इसे कहते हैं आर्ट। सच में मैं एक असली आर्टिस्ट हूँ। और मेरा हाई फाइव। लेकिन मैं जीत गई, मैं जीत गई। अगला क्या है? इतनी जल्दी नहीं, मैं व्यू घुमाऊंगी। ये कहाँ रुकेगा? ओ, एक बर्ड, कितना प्यारा है। चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ, मैं पेंट इतना अच्छा नहीं करती, पर मैं ट्राई करूंगी।
तुम्हें नेचर इमेजिन करना होगा, ये एक सीक्रेट है। रेड सही रहेगा। ओह नहीं, ये तो खराब हो गया और खराब होता जा रहा है। मेरा हाथ देखो, एक ही चीज हो सकती है, सैबोटाज। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम पेपर ना हटाते तो क्या हो जाता? ये देखो, और ये मेरी गलती है? नहीं, जरा रुको। तुम्हारी इस हरकत से मुझे एक आइडिया आया, ये जरूर काम करेगा। ब्लैक पेंट यहाँ लगाएंगे और एक बीक बनाएंगे और इसके लेग्स। अब ये बर्ड लग रहा है, लो ये प्यारा सा बर्ड है तुम्हारी मदद से। ये तो चीटिंग है, पर मुझे पसंद आया। मेरा इतना भी अच्छा नहीं है, जरा इधर दिखाओ। तुम इतना कहती हो तो ये रहा विजेता। हाँ, ओह हेलो लिटिल गाय, ऐसा लग रहा है मैं कोई कार्टून प्रिंसेस हूँ। वाह, ओह मैं इन्हें छू लूं? हटो, खुद के बर्ड्स लेकर आओ। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मेरे पास एक रोज है और तुम्हारे पहले चैलेंज में हम बनाएंगे गूज। कौन बेहतर कर सकता है? हे, वाह, मैं कर सकती हूँ, कितना प्यारा है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, पेन का एंगल सही रखना होगा। तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? मैं तुम्हारी टेक्निक देखना चाहती हूँ। हाथ हटाओ ना। मैं यहाँ क्या इस्तेमाल करूँ? मुझे तो लग रहा है हाथ से काम बन जाएगा, पर मैं जानती हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करना है। पहले अपनी उंगलियों को ट्रेस करें और ये अंगूठा सर होगा और हाथ इसकी बॉडी। छोटे छोटे पैर कैसे भूल सकते हैं? देखो कलर से कितना फर्क आता है। ये गूस बहुत खुश है, पैरों में ब्राउन सही रहेगा। बस हो ही गया फिर। हाँ चलो देखते हैं, ये गूस है देखो। मेरी बारी। खैर तुम्हें कैसा लगा? ये दोनों ही कमाल है, पर ये वाला गूस ज्यादा मजेदार है। अच्छा लग रहा है, देखते हैं कौन इसे घुमाएगा। हाँ तो ठीक है। वाह, मैं जीत गई, मैं ये घुमाऊंगी। देखो सजा से पेपर नहीं कटता क्या? एक बनी, मुझे इसमें बहुत मजा आएगा। हाँ सजर पेपर को हराता है। जरा रुको, ये रैबिट ईयर्स जैसे लगते हैं। एक आइडिया है, ड्राइंग शुरू करते हैं, इसे बहुत आसान हो जाएगा। ये रही बॉडी और पॉज। हर रैबिट के पास कैरेट तो होती है, इसकी आंखें और इसका मुंह। कानों में पिंक कलर करेंगे और इसके मुंह पर भी कैरेट को कलर कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन। ये बन गया रैबिट, कितना बढ़िया है ना? वाह कमाल है, मुझे जल्दी करना होगा। ओह जल्दी जल्दी मैं अच्छा नहीं बना, कम से कम कैरेट तो है। वो मैं दोबारा जीत गई, मैं इसमें माहिर हूँ। बस करो, ये क्या है, इतनी सारी कैरेट्स? शुक्र है मैं ये हार ही गई, इससे तुम्हारी नजर की कमजोरी ठीक होगी।